हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में पंचायतों की सीमित किए अधिकारों और सरपंचों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की शक्ति 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने तथा ये टेंडर बनाने के विरोध में मंगलवार को प्रदेश में ब्लॉक में सभी सरपंचों ने सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल हाजीपुर की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंचायत मंत्री देवेंद्र बुबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद डीवीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ने का प्रयास किया तो मौके पर थाना प्रभारी जितेंद्र बोहत व उनकी पुलिस टीम ने ताला नहीं जड़ने दिया। सरपंच धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। मामले को बिगड़ता देख सरपंचों से वार्ता करके मामले को शांत कराया। धरना प्रदर्शन कर रहे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल गुरावलिया के पास जिला उपायुक्त निशांत यादव ने फोन पर वार्ता करके आश्वासन दिया कि वह बीडीपीओ ऑफिस पर ताला ना लगाए कल गुरुग्राम कार्यालय में सरकार के नाम संदेश दे देना। डीसी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया। चौधरी धर्मपाल हाजीपुर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रचलित टेंडरिंग से गांव का विकास प्रभावित होता है, विकास कार्य देरी से होंगे। सरपंच एसोसिएशन फर्रुखनगर सरकार की विकास विरोधी प्रणाली का विरोध करती है। सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरपंचों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की शक्ति 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक की जाए। 25 लाख तक के विकास कार्यों में ई_अंडरस्कोर टेंडरिंग प्रणाली को भी तुरंत बंद किया जाए। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो सरपंच एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए HHS हरियाणा न्यूज। हमारी प्रदेश इकाई को फैसलो है जो सरकार की टेंडरिंग जो नीति है उसके विरोध में प्रदेश इकाई ने फैसलो लियो है। अभी हम वीडियो दफ्तर का तालाबंदी कराएंगा और अनिश्चित काल धरना। धरना आप दे सकते हो जगह रही सुनो दफ्तर सरपंच अगर सरपंच सारा काम में रोकथाम लगा रहा है तो बिल्कुल नहीं करती सरकार लगा रही थी ये भी लगा देगा ताला सरकार ये तो सुनो प्रदेश इकाई को और यहाँ नहीं पूरा हरियाणा में लागू है सरकार इनके ताल लगा रही मारे गांव में काम करने के तो फिर इसको विरोध की है सही बात सरकार बंद करो सरकार मेरे हिसाब से नहीं लेकिन सरकार ताला लगा रही है जो काम ही ना कर लगा रही है 2 लाख से ऊपर काम होगा ही ना सरकार मुर्दाबाद देवेंद्र बबली मुर्दाबाद देवेंद्र बबली मुर्दाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद। आज सरकार की जो जन विरोधी नीति है और जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया लागू करी गई है उस पे आज जो हमारी प्रदेश इकाई है उसके आह्वान पर आज हम ब्लॉक पर तालाबंदी करते हैं और सभी सरपंच अनिश्चित काल धरने पर आज बैठते हैं। सरकार की जो जन विरोधी नीति है जो ई टेंडरिंग लागू की गई है उसके खिलाफ आज सभी सरपंच एकत्रित हुए हैं और इसके खिलाफ आज सभी तालाबंदी करके सरकार की इन जन विरोधी नीतियों का घोर विरोध करते हैं।